मैदान जंग में अब बात जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां पुंछ में सुरक्षा बलों को वोटिंग से पहले एक बार फिर टारगेट किया गया है। अब की बार दो हथियारबंद आतंकवादियों ने एयरफोर्स के काफिले पर 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। इसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि 4 जवान घायल हैं, जिनमें से एक जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि पुंछ जिला, पुंछ इलाका राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जहां पहले 17 मई को चुनाव होना था लेकिन अब इस चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है और अब यहां 25 मई को चुनाव होगा। यानी वोटिंग से पहले आतंकियों ने एक बार फिर शांत और शांति से होने वाले चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। पुंछ के डना शास्तार में आतंकियों ने कल वायुसेना के वाहन को निशाना बनाया, जिसमें 5 जवान जो है वो घायल हुए थे जबकि एक जवान शहीद हो गया। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही एंट्रेंस पॉइंट है जहां पर से उस इलाके की तरफ ये रास्ता जाता है और यहाँ पर भारतीय सेना के जवान जो है हर आने जाने वाली गाड़ी को जो है यहाँ पर प्रॉपर चेक कर रहे हैं और इसके आगे जाने की अनुमति जो है वो सेना की तरफ से नहीं दी जा रही है और बड़े पैमाने पर वहाँ सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है, जबकि ड्रोन के सहारे यानी ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। और ये जड़ा वाली गली यानी जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे है और यहाँ पर लगातार सुरक्षा बल इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। कल जब ये हमला हुआ था उस हमले के दौरान जो है वो 3 से 4 आतंकवादी जो है वो बताए जा रहे हैं और साथ में घात लगाकर हमला किया गया, सामने से जो है वो गोलियां दागी गई थी और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और सेना के संयुक्त यहां पर तलाशी अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है।